बेसहारा निर्धन आंखों से नेत्रहीन के साथ गुंडागर्दी व दबंगई आए सामने। नेत्रहीन मंगल को बस के नीचे कुचलने की धमकी। लखनऊ दुबगा डिपो सिटी बस चालक परिचालक की गरीबों के साथ गुंडागर्दी। बस नंबर 401 गाड़ी नंबर अब 32CZ7164 गुंडा दबंग। परिचालक का नाम पंकज शर्मा, चालक का नाम चंद्र प्रकाश यादव। यह दोनों सरकार की छवि को ट्रोलिंग करने में लगे हुए हैं। नेत्रहीन मंगल नाम का व्यक्ति जो भीख मांगकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा प्रमाण पत्र होने के बावजूद भी चालक परिचालक दोनों बस के अंदर से उतार देते हैं। नेत्रहीन मंगल का कहना है कि कांशीराम से मैं शहर के अंदर जाकर अपने साथ एक सहयोगी को, जो हाथ पकड़ कर मुझको ले जाता है। हम दोनों को चालक परिचालक दोनों बस पर चढ़ने के बाद बस के नीचे उतार देते हैं और गुंडाई दिखाना शुरू कर देते हैं। परिचालक पंकज शर्मा नेत्रहीन मंगल को धमकी देते हुए कहता है कि मेरे परिवार में वकील वगैरह सभी हैं, मैं यूनियन का लीडर हूं, जिससे शिकायत करनी होकर दो, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। दबंग परिचालक पंकज शर्मा का कहना है कि परिवहन विभाग MD से भी नहीं डरता। कांशीराम के जितने भी विकलांग अपंग नेत्रहीन किस्म के लोग जो BPL कार्ड धारक अति गरीबी से गुजर बसर करते हैं, उनका सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा प्रमाण पत्र होने के बावजूद भी सिटी बस चालक पंकज शर्मा, चंद्र प्रकाश यादव गुंडागर्दी करके बस के नीचे उतार देते हैं और निःशुल्क यात्रा नहीं कराते। अगर कोई भी विकलांग बस के अंदर चल जाए तो बिना टिकट काटे यात्रा नहीं करने देते। सरकार की मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाता है। सरकार द्वारा जारी निःशुल्क यात्रा प्रमाण पत्र कोई मायने नहीं है इन गुंडों के आगे। राजमंगल मंगल जी, आपके साथ क्या घटना हुई? जब कहीं जाते हैं बस में तो वो चालक परिचालक दोनों उतार देते हैं और गाड़ी देखते हैं तो गाड़ी मोड़ के भाग जाते हैं। क्यों उतार देते हैं? अब वही जाने क्यों उतार देते हैं। अच्छा, हाँ, और फिर वो धमकी देते हैं कि हमारा खानदान परिवार पूरा मेरा, कोई हमारी बहन जज है। अच्छा, हाँ, मैं यूनियन का नेता हूँ। अच्छा, हाँ, हमारा कोई कुछ, हमारा MD भी कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, हाँ, तो मंगल जी आपने कहीं शिकायत करी? शिकायत एक बार की थी जी, यहाँ पे आया था कैंप, उसी में शिकायत की थी जी। उन्होंने दोबारा एक्शन लिए नहीं था। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। तो उसका नाम क्या है जो आपको धमकी देता है? उनका नाम पंकज शर्मा। अच्छा, क्या कहता है? उतार देते हैं, कहते हैं कि अपने आगे किसी को हम जोड़ते नहीं अपने आगे। अच्छा, अपने आगे किसी को समझते नहीं है। आपके सहयोग में जो जाता है, हमारे सहयोग में जाता है उसको भी उतार देते हैं, उसको भी उठा दिया बोलता है। आपके सहयोगी कौन है? हमारे सहयोगी मोहन है। मोहन जी, आप बताइए। जी सर, मैं इनके साथ जब जाता हूँ कहीं तो ये बस नंबर जो है 7164 गाड़ी नंबर ये है, और पंकज शर्मा जो है चालक हैं, परिचालक चंद्र प्रकाश यादव हैं जी। ये बोलते हैं मैं वहाँ यूनियन का नेता हूँ, मेरी कंप्लेंट कहीं करोगे MD भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अच्छा, और बोलते हैं मेरी बीवी जो है वकील हैं और बहन जज हैं और भाई लोग वकील हैं, सब बड़े बड़े विख्यात लोग हैं। मेरे कंप्लेन अगर जो किया है, जिसने छापा या किया है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं और ठोक दूंगा। छापा का मतलब जी? छापा का मतलब क्या? यानी जो हमारी कंप्लेन करेगा, जो मेरी जो लिखेगा पढ़ेगा और या मेरा जो करेगा, उसको मैं बख्शेंगे नहीं। मेरी मान प्रतिष्ठा की बात आएगी उसको हम ठोक देंगे। अच्छा, ठोक देंगे और उल्टे केस में हम फंसा देंगे। मेरे वहाँ सब वकील हैं, जज हैं, यानी आओगे केसरबाग में ही मैं वहाँ निपट लूँगा, चार आदमी को लगवा दूंगा, ये भी नहीं मालूम किसने मारा। अच्छा मंगल जी, ये आपके सहयोगी जो कह रहे हैं मोहन जी, क्या ये सत्य है? हाँ सही है, ये सही है। हाँ सही है। अच्छा, आपसे क्या बोले? आपको धमकी देते हैं? हाँ। क्या धमकी देते हैं? बस वो बस चढ़ा देंगे तो हमने। अच्छा, भैया चढ़ा दो। आपको यात्रा निःशुल्क नहीं देते हैं? नहीं। आप जब बस में चढ़ते हैं तो आपके साथ क्या करते हैं? यही सब करते हैं, बस उतार देना। अच्छा, हाँ, गाड़ी पे धक्का दे देना, गाड़ी देख के भगा लो, रोको। अच्छा, नहीं गाड़ी। अब फिर कहते हैं कि कॉलोनी विकलांग बहुत हैं। अरे विकलांग बहुत हैं तो विकलांग तुमसे क्या मतलब है? सरकार हम लोग देती है, चलते हम लोग हैं। जी जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.